हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम आर एस अग्रवाल की जो क्वांटिटी एंड एम्पटीट्यूड की बुक है उससे क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 34 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स अनुपात वाई बराबर है 7:3। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, इंटू वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। प्लस वाई स्क्वायर की, देखो वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, देखो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा ये, देखो यहाँ पे होगा 21 प्लस यहाँ पे होगा 9 अपॉन 7×7=49 माइनस यहाँ पे होगा 9, तो 21+9 कितना होगा, 30/4। यहाँ पे कितना होगा ये, 40। इसका मतलब इससे ये वाला कैंसिल, यानी कितना होगा ये, 3/4। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3a बराबर है 5b और 2b बराबर है 3c, तो a अनुपात c क्या होगा। देखो क्या दिया है, 3a बराबर है 5b। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो a इस पे जाता है और b इस पे जाता है, तो a अनुपात b निकाल दो, कितना होगा, 5:3। इसी प्रकार से b अनुपात c निकाल दो, कितना होगा, b अनुपात c होगा। देखो b इस पे जाएगा और c इस पे आएगा, तो कितना होगा ये, b होगा 3:c होगा 2। ठीक है, अब देखो हम इसको, क्योंकि a यहाँ पे है और c यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, हम b से, क्योंकि b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी b की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब हम a अनुपात b अनुपात c डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कितना होगा, 5:3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, हमें चाहिए ए अनुपात सी, तो ए है 5 और सी कितना है, सी है 2, तो कितना होगा ये, 5:2, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है, जैसे जैसे हमें दिया जाएगा वैसे वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, देखो ए दिया है और डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है बराबर। ए बी से कितना अधिक है, ए बी से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या हो गया, देखो जब अधिक की अधिक आता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम 100 में ऐड करते हैं। ठीक है, तो 100 में ऐड करो, कितना होगा, 140/100, क्योंकि प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत को हमने हटाया, तो बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या लिखा है, बी और डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर सी, सी से कितना कम है, 20% कम है, तो जैसे हमने अधिक के लिए 100 में ऐड करा, तो कम के लिए क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, तो कितना होगा ये, 80% हटाएंगे, तो क्या होगा, बटे में 100 होगा। ठीक है, अब देखो इससे ये वाला कैंसिल, इसके इसको काट दो, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 5 होगा, 5 का गुणा यहाँ कर दो, तो कितना होगा ये, 5a बराबर होगा 7b। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको इससे काट दो, इससे इसको काट दो 2 से, तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा, तो इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 5b बराबर क्या होगा, ये होगा 4c। अब देखो a अनुपात b निकाल सकते हैं, तो a अनुपात b क्या होगा, a जाएगा इस पे और b जाएगा इस पे। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा ये, a होगा 7/ b कितना होगा, b होगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पे भी b किस पे जाएगा, b इस पे जाएगा और c इस पे आएगा। ठीक है, तो b अनुपात c कितना होगा, 4:5। ठीक, अब देखो ए बी ए डॉट मतलब ए अनुपात बी हमने निकाल दिया और बी अनुपात सी हमने निकाल दिया। देखो हमें क्या निकालना है, ए अनुपात सी निकालना है, यानी ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, यानी इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। देखो किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, 7:5, यानी बी से कनेक्ट करेंगे, बी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो बी के ठीक नीचे ये वाला बी, यानी 4:5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वाला 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वाला 4। ठीक है, अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 7 कितना होगा, 28, ये निकाल दिया हमने ए अनुपात, इनको गुणा करेंगे तो 5 20, ये निकाल दिया हमने बी, और इनको गुणा करेंगे तो 5×5 कितना होगा, 25, ये निकाल दिया हमने सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए अनुपात सी की वैल्यू चाहिए, तो ए है 28 और बी कितना है, बी है 25, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, ए अनुपात बी हमें दिया है कितना है सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी। इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा सी के, ठीक है, और बी किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा डी के, ठीक। यानी जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम सी लिख सकते हैं, या जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, और जहाँ पे देखो बी होगा वहाँ पे हम डी लिख सकते हैं, या जहाँ पे डी होगा वहाँ पे हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लिखेंगे, यानी जहाँ पे ए है वहाँ पे सी लिख सकते हैं, ठीक है, और जिससे भी हमारा, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए है वहाँ पे सी लिख सकते हैं, या जहाँ पे सी है वहाँ पे ए लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जिससे हमारा आंसर आएगा हम वही लिखेंगे। देखो क्या करेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे सी लिखते हो, तो कितना होगा एम सी प्लस एन सी अपॉन कितना होगा ये एम, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या लिखेंगे डी लिखते हो, तो डी प्लस एन क्या होगा डी होगा। अब देखो ऊपर से सी कॉमन लेंगे और नीचे से डी कॉमन लेंगे, तो कितना होगा ये, यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस एन, ठीक है, ऊपर होगा, इसी प्रकार से नीचे क्या होगा एम प्लस एन, ठीक है। अब देखो एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल कर दो, तो कितना होगा ये सी बटे डी, या सी अनुपात डी होगा। देखो सी अनुपात डी कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, अब देखो हमने क्या करा था, जहाँ पे ए था वहाँ पे सी लिखा, अब क्या करेंगे, जहाँ पे सी है वहाँ पे ए लिखेंगे, यानी क्या होगा एम ए प्लस एन सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ए लिख सकते हैं अपॉन एम बी प्लस एन की वैल्यू, देखो एन इंटू डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए कॉमन ले लो ऊपर से, तो एम प्लस एन, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है बी कॉमन ले लो, तो एम प्लस एन होगा, तो यहाँ पे कितना होगा बी हो जाएगा, इससे ये कैंसिल कितना आ रहा है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मतलब क्या होगा कि ए अनुपात बी, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा, यानी सबसे छोटा अनुपात हमें निकालना है। देखो पहला क्या है 7/13 है, ठीक है, अनुपात का मतलब बटे में 13, तो कितना होगा ये लगभग 0., यहाँ पे 70 होगा तो लगभग 0.5 के बराबर होगा। इसी प्रकार से बी कितना होगा 7/15 होगा, यानी कितना होगा ये 0.15×60, ठीक है, तो लगभग 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये वाला कितना होगा 17/25, तो किसके बराबर होगा 0., यहाँ पे 170 होगा, तो लगभग कितना होगा 25×125, 25×150, तो लगभग 0.6 के बराबर होगा। और ये कितना होगा 15/23, यानी किसके बराबर होगा 0.150 होगा ना, तो 2 को अगर हम किससे गुणा कर दें, 2 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 6 से गुणा कर दें तो कितना होगा 6×3=18, और 6×2=12, और 1×13 यानी 138, तो किसके बराबर होगा 0.6 के बराबर होगा। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है इसमें, ये वाला, यानी 0.4 सबसे छोटा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो एक संख्या हमें नहीं पता, मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, इसमें क्या दिया है x का मतलब क्या हो गया कि का मतलब गुणा होता है 0.6, डैश का मतलब क्या होगा, डैश का मतलब होता है बराबर, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है y का मतलब क्या होगा, गुणा 0.08 के क्या है बराबर है, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखो हम इसको किससे गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान है, इसका मतलब हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 100 से यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा x गुणा 60 होगा, बराबर यहाँ पे कितना होगा y गुणा 8 होगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसको किससे काट सकते हैं, 4 से काट दो, ठीक, तो यहाँ पे होगा 4×2=8, और यहाँ पे होगा 4×1=4, और कितना होगा 5×20, इसका मतलब 15x बराबर होगा 2y, तो x अनुपात y निकाल सकते हैं, x इसके साथ और y इसके साथ, यानी 2:15, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या y है, तो x का 40% क्या है, देखो प्रतिशत हटाएंगे तो 2/100 होगा, डैश का मतलब क्या होगा बराबर, दूसरी संख्या यानी y का मतलब गुणा 3/5, ठीक है। अब देखो इससे इसको काट दो, ठीक, इससे इसको काट दो, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और इसको इससे काट दो, तो यहाँ पे 2 होगा, इसका मतलब
टू एक्स बराबर कितना होगा 3y। अब x अनुपात y निकाल सकते हैं, x इस पे जाएगा और y इस पे जाएगा, तो कितना होगा ये 3:2, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का पांचवां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो एक संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, तो x तथा इसमें इस संख्या का, देखो इसमें क्या करना है, इस संख्या का यानी इसी संख्या का क्या करना है, पांचवा भाग जोड़ना है। ठीक है, पांचवा भाग का मतलब क्या होगा कि x का पांचवा भाग कितना होगा, 1/5। तो क्या जोड़ना है, 1/ यानी x इंटू 1/5 या x 5 इसमें जोड़ना है। ठीक है, पर प्राप्त संख्या यानी ये जो प्राप्त संख्या होगी इसका अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है। तो कितना होगा, देखो कितना हो रहा है ये x अनुपात इसका, इसके साथ में एलसीएम लेंगे तो 5x + x यानी 6x/5 होगा। ठीक, अब इसको इससे काट सकते हैं। अब देखो हम इसको फ्रैक्शन में तो लेते नहीं है, तो इसको 5 से गुणा कर दो या इसका डायरेक्ट गुणा यहाँ कर दो, तो कितना होगा ये, यहाँ पे होगा 5:5, यहाँ पे कितना होगा 6। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, 5:6 यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, यानी इसका मतलब क्या है कि x का 1/27 से वही अनुपात है। वही अनुपात का मतलब क्या है कि x अनुपात 1/27 की वैल्यू उसी के बराबर होगी जो कि 3/11 का 5/9 से है, यानी जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात होगा, यानी इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इसमें दिया है कि वही अनुपात है। इसका मतलब क्या होगा, वही अनुपात का मतलब क्या होगा कि जितनी वैल्यू इन दोनों की होगी उतनी ही वैल्यू इन दोनों की होगी, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। ठीक, अब देखो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो अनुपात हटाएंगे तो बटे में क्या होगा, एक्स अपॉन 1/27 बराबर 3/11 होल के अपॉन में कितना होगा, 5/9। ठीक है, अब देखो ये 27/ में है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना होगा ये 27x बराबर, अब देखो इसका 3/11 गुणा जो नीचे है वो ऊपर आएगा, 9/5 होगा, और जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो कितना होगा ये, इसको किससे काट सकते हैं, 3 से काट दो, देखो 9 को इसके काट दो तो यहाँ पर कितना होगा, 9 × 3 = 27, इसको इससे काट दो। ठीक है, तो कितना होगा ये, x बराबर होगा 1/11 × 55, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/55। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर इसका अनुपात 12:23 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो दो संख्याएं किसके अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, तो मान लीजिए जो पहली संख्या है वो है 3x अनुपात, जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 5x, क्योंकि हमने क्या करा, इससे x से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 3x/5x कर दिया। अब देखो इसमें क्या दिया है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x/5x लिख सकते हैं। इसमें से हमने यानी प्रत्येक में से 9 घटाने का मतलब क्या है, इसमें से भी हमने 9 घटाया और इसमें से भी 9 घटाया, तो इस किसके अनुपात में आए, यानी इसकी वैल्यू आई 12:अनुपात का मतलब क्या हो गया, 23 के बराबर आएगी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दो तो कितना होगा, 23 कितना होता है, 9 और 6 यानी 69x माइनस 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18, 2 कितना होगा, 20 बराबर होगा 12 × 5 = 60x माइनस 12 × 9 कितना होगा, 108। ठीक है, अब देखो 69x और इसको यहाँ लेके आएंगे तो माइनस होगा, यानी 69 में से 60 माइनस करो कितना होगा, 9x बराबर, अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो यानी क्या होगा, बड़े का साइन होगा क्योंकि ये यहाँ आएगा प्लस में होगा, पर ये आपस में माइनस होंगे, तो देखो क्या करेंगे, 17 में से 8 माइनस करो तो 9 होगा। ठीक है, 9 में से 0 माइनस करो, यहाँ पे भी 9 होगा, और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करो तो 0 होगा। ठीक, इसका मतलब 9x बराबर होगा 99 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1, 1, यानी x की वैल्यू आ रही है 11 के बराबर। अब देखो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 3×11 = 5×11 यानी 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55, तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है 33, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें
तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? देखो, दो संख्याएं किसके अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। तो हमें नहीं पता वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो इसको हम x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2x/3x। इसका मतलब छोटी संख्या कितनी होगी? 2x होगी, जो छोटा नंबर होगा, और बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3x होगी, जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है? यदि छोटी संख्या के 20%, यानी छोटी संख्या है 2x, इसका 20%, यानी 20/100 करेंगे। ठीक है, 20% में 20 जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ना है? 20 जोड़ना है। ठीक है, तो यह बड़ी संख्या के 10%, देखो बड़ी संख्या कितनी है? 3x, इसका 10% करेंगे, 10% में 25 जोड़ने, यानी इसमें 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है, यानी इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है? फिर बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हमें छोटी संख्या निकालनी है। देखो, इसको इससे काट दो, ठीक है, और इसको इससे काट दो, तो कितना होगा ये? यहाँ पर होगा 4x/10। अब इसको इधर लेके आओ तो -3x/10 बराबर होगा 25-20। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये? क्योंकि बेस सेम है, यानी बटे में सेम है, तो बटे 10 होगा, और 4 में से 3 माइनस करो कितना होगा? x बराबर होगा 5 के, तो x = कितना आ रहा? 50। ठीक है, x हमने 50 निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या है 2x, तो x की वैल्यू रख दो तो 2×50 कितना होगा ये? 100। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा? ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।